नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर में। यहाँ पर मुस्लिम समाज के कुछ लोग आए हुए हैं। क्यों आए हैं, क्या है इनकी मांगे, आज बातचीत इसको लेकर होगी। सबसे पहले तो ये बताइए, यहाँ पर आज आप लोग क्यों? हम लोग यहाँ त्रिपुरा में जो घटना हुई है कि वहाँ पैगंबर इस्लाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपशब्द कहे गए, इस बाबत हम ज्ञापन देने आए हैं। और सर, बाबत ज्ञापन देने आए हैं, हुजूर की शान में कुछ कहा गया है उसको लेकर यहाँ पर लोग इकट्ठा है। हम तफसील से बात करेंगे, जानने समझने की करीब कोशिश करेंगे, आखिर त्रिपुरा के मामले पर रीवा के मुसलमानों में गुस्सा क्यों। मेरी सरकार से यही निवेदन है, केंद्र सरकार से, कि वो संसद में कानून ऐसे लाए कि जो हिंदुत्व दहशतगर्द जो है जय श्री राम के नारे पर खुलेआम नंगा नाच रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, तो सरकार ऐसे सख्त सख्त कानून लाकर इनको सख्त सख्त सजा दे। और सख्त सख्त सजा की मांग होनी है। इनका कहना है हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए इस देश में, सबका देश है, सबको मिलकर रहना चाहिए। बताइए। नहीं, पिछले कई सालों से लगातार देखने को मिल रहा है कि आए दिन कोई ना कोई कांड हमेशा नज़रों के सामने पेपरों के अखबारों के ज़रिए देखने को मिल रहा है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस चीज़ पर गौर करे कि आए दिन इस तरह की घटनाएं, ये मुनासिब नहीं होती इस तरीके की घटनाएं, जिस तरीके की घटनाएं इस देश में लगातार घट रही हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं, और क्या है आपके, आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम लोग चाहते हैं, हम लोग कई, ये काफ़ी दिनों से हो रहा है और हम लोग ज्ञापन भी देते हैं, लेकिन अभी भी देखते आए हैं कि यहाँ पर कभी FIR के लिए हम लोग देते हैं, लेकिन FIR होती नहीं है, निराशा मिलती है यहाँ। बिल्कुल, आइए बिल्कुल। क्या आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? हमारा सोचना ये है कि जिस तरह से हम लोग ज्ञापन देते हैं उस पर कार्रवाई हो, तो ये गंगा जमुनी तहजीब हमारी यहाँ सलामत रहे। गंगा जमुनी तहजीब सलामत रहे, ये सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इस देश में हमेशा बरकरार होनी चाहिए। सर, 2014 के बाद जिस तरीके से विडंबनाएं पैदा हुई, संगठन बनते हैं समाज की भावनाओं को देखते हैं, उनकी सेवा के लिए, लेकिन अगर संगठन ही विद्रोह करें, उदंडता करें, भाईचारे को ख़त्म करें, तो ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है हमारे देश के लिए। हमारा देश शांतिप्रिय देश है, हम यही आग्रह करेंगे लोगों से कि शांति बनी रहे, अमन चैन कायम रहे। यहाँ के तमाम लोगों का कुछ इस तरीके से कहना, अमन चैन देश में बरकरार रहे, ये हमेशा से मुस्लिम समाज ने आग्रह किया है हर समाज के लिए कि कभी भी दंगा फसाद ना हो। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ ऐसे संगठन है जो लोगों ने मुसलमानों को टारगेट करके अपना नाम आगे करने के लिए कोशिश करते हैं। तमाम तरीके के लोग यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, कांग्रेस के यहाँ पर शहर अध्यक्ष भी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे आखिर त्रिपुरा को लेकर यहाँ पर रीवा में, जहाँ पर आज तक इस तरीके की बातचीत नहीं हुई, यहाँ पर ये लोग क्या चाहते हैं और किस तरीके से इनकी प्रतिक्रिया है। देखिए, सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पूरे मुल्क में और ख़ासतर जहाँ पर चुनाव होने लगते हैं, तो सरकार हिंदू और मुसलमान दंगे करवाना शुरू करवा देती है, ताकि आवाम का जो जहन है वो बेरोजगारी महंगाई से भटक जाए। आज पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है, हर व्यक्ति त्राई त्राई कर रहा है। मेरी मांग ये है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति महोदय से कि देश के आवाम के पहले पेट का इंतजाम करें और हिंदू मुसलमान को छोड़कर देश को तरक्की की राह पे ले जाएं। हिंदू मुसलमान किसी भी हालत में नहीं चाहिए, ये तमाम लोगों का यहाँ पर कहना है साफ तौर से, जैसा कि आपने अभी तक सारे लोगों की बातचीत सुनी। ये बताइए, त्रिपुरा को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हैं जी, अगर आपकी बात, जैसा कि कुछ लोग कह रहे थे कि हम ज्ञापन देते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इस बार भी यही स्थिति रही तो फिर आगे क्या? आगे ये होगा कि शफीक भाई है जिनसे बात हुई, और शफीक भाई भूख हड़ताल पे बैठने को इंशाल्लाह तैयार है, और अगर हमारी जुमे तक मांग पूरी नहीं होती तो फिर इंशाल्लाह शफीक भाई भूख हड़ताल पर बैठे। शफीक भाई, ये बताइए, हमारे साथ शफीक भाई भी मौजूद है, ये भूख हड़ताल का फैसला आखिर क्यों? क्योंकि हमारे सरकार किसान में गुस्ताखियाँ बार बार की जा रही है, और ऐसा ना होने पर हम आगे जुमे के अलावा भी और अनिश्चितकालीन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। हमारी मांगे पूरी ना हुई
तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे। हमारी एक बहुत छोटी सी मांग है, इस देश की जो संस्कृति है, परंपरा है, हिंदू मुसलमानों की जो तहजीब है, वो बरकरार रहे और उसके दायरे में रहकर ही सारे लोग यहाँ पर अमन, इस देश में अमन चैन से रहें। कुछ इस तरीके से बातचीत निकल कर आई। यहाँ पर जो भी लोगों को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, साफ तौर से इन सारे लोगों का यही कहना था और ये मैसेज अपने आप में एक तरीके से बेमिसाल मैसेज है। हिंदू मुसलमानों की तहजीब, इस हिंदू मुसलमानों का यहाँ कोई औचित्य नहीं होना चाहिए। इस देश की सबसे बड़ी समस्या हिंदू मुसलमान नहीं, इस देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, भुखमरी है। यहाँ पर लोगों के पास काम नहीं है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सरकार को पहले चाहिए प्राथमिकता के तौर पर, अगर लोगों के हाथ में रोजगार होगा तो उनका ध्यान इस ओर जाएगा ही नहीं। कुछ इस तरीके से यहाँ इन लोगों का साफ तौर से कहना था। हमारी इस घटना पर लगातार नज़र बनी रहेगी, हम देखेंगे शुक्रवार को आखिर होता क्या है।